विद्यार्थियों, बी ए पार्ट थर्ड है। दर्शन शास्त्र में पहला प्रश्न पत्र सांख्य दर्शन है, उसमें कारणता सिद्धांत की चर्चा अपन पिछले वीडियो में कर रहे थे। जैसा कि अपन जानते हैं कि सभी भारतीय दर्शन कारणता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और प्रत्येक दार्शनिक ये मानता है कि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण के किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात जगत जो है सह कारण है, है कारण नहीं। तो कारणता सिद्धांत के अंतर्गत जो है दो कारणता के सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं, एक असत कार्यवाद के रूप में और दूसरा सत कार्यवाद के रूप में। असत कार्यवाद का जो सिद्धांत है वो न्याय वैशेषिकों का है, बौद्ध भी जो है असत कार्यवाद के सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं, और सत कार्यवाद का जो सिद्धांत है वो सांख्य दर्शन का है। तो सांख्य दर्शन में सत कार्यवाद की प्रतिस्थापना करने के लिए और न्याय वैशेषिकों के असत कार्यवाद के सिद्धांत को अस्वीकार करने के लिए कुछ आर्गूमेंट जो है कारिका में दिए हैं, जिनके कुछ बिंदुओं की बात हमने पिछले वीडियो में की थी, दो बिंदुओं की चर्चा हमने की थी। तो आज जो है शेष जो बिंदु है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कारिका के अंतर्गत कहा गया था कि असत करणाद उपादान करणाद सर्वसंभव भावाद सत्य से सत्य करणा कारण कारण भावाद सत्कार्यवाद के कारिका नौ में जो है सत कार्यवाद के प्रतिपादन करने के लिए पांच आर्गुमेंट दिए गए थे। कौन से? एक तो असत कारण के रूप में असत कारण, दूसरा उपादान का ग्रहण, तीसरा सर्वसंभव भावाद, चौथा जो है सत्य से करणाद और पांचवा है कारण भावाद सत्कार्यवाद के रूप में। तो दो प्रारंभिक जो है कि असत से सत्य की उत्पत्ति संभव नहीं, असत से सत्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। यदि असत से सत्य की उत्पत्ति होगी तो किसी वस्तु से किसी की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे अपन देखते हैं कि कंकड़ से तेल का निर्माण किया जा सकता है यदि असत से सत्य की उत्पत्ति हो जाए तो, परंतु ऐसा संभव। दूसरी बात कही गई थी कि उपादान कैसा होना चाहिए, सामग्री कैसी होनी चाहिए। यदि सत्कार्य की उत्पत्ति है तो कारण भी कैसा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। यदि आपको दही का निर्माण करना है तो दूध की आवश्यकता होती है, तेल का निर्माण करना है तो तिल की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर जिस वस्तु की का निर्माण करना चाह रहे हो उसके अनुरूप ही सामग्री का होना जो आवश्यक माना जाता है। तीसरे कारण के आधार पर चर्चा करेंगे सर्वसंभव भावाद। सर्वसंभव भावाद का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। जो एक संभव कारण होता है जिसमें किसी कार्य को रूप देने का जो है शक्ति होती है, किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति उसमें मौजूद रहती है, उस संभव कारण से ही किसी कार्य की उत्पत्ति संभव है। प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो जिसमें संभव कारण है जिससे किसी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है उस संभव कारण से ही कार्य का निर्माण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि यदि तेल का निर्माण करना है तो तेल के निर्माण के लिए जो संभव कारण माना जाता है वो तिल माना जाता है। तिल से ही तेल का निर्माण किया जा सकता है, न कि बालू से तेल का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि बालू जो है उसमें संभावना ही नहीं है। बालू में जो है संभावना ही देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो है प्राय हम देख रहे हैं कि जिसमें जो संभावना है पहले से मौजूद है उस संभावनाओं के अनुरूप ही हम किसी कार्य को रूप दे सकते हैं, कार्य की परिणति कर सकते हैं। तो प्रत्येक कार्य कारण से कार्य की उत्पत्ति न होकर एक संभव कारण जो होता है, जैसे घड़े का निर्माण करना तो घड़े के निर्माण के लिए मिट्टी उसका संभव कारण, कपड़े का निर्माण करना तो कपड़े के निर्माण के लिए जो है पट के निर्माण के लिए तंतु जो है उसका एक संभव कारण है। तो जो उसमें शक्ति मौजूद है, जो उसको रूप देने की शक्ति रखता है, वही जो एक कार्य की उत्पत्ति कर सकता है। तो प्राय हम देख रहे हैं कि एक ऐसा संभव कारण जो कार्य के रूप में परिणित कर सकता है, उस संभव कारण के द्वारा भी हम देखते हैं कि कार्य की उत्पत्ति होती है। और कारण कैसा है? सत है, और जो सत होगा वही जो है सत कार्य की उत्पत्ति कर सकता है। उसके बाद में देख रहे हैं सत्य से सत्य करना। इसके अंतर्गत भी हम देखेंगे कि प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, जिसमें कारण जो बीज रूप कारण जो है उसमें कारण में जो है कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद है, उस मौजूद जो शक्ति विद्यमान है उस शक्ति से ही किसी कार्य को हम रूप दे सकते हैं। प्रत्येक कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी,
जिसमें शक्ति अंतर्निहित है किसी कार्य को रूप देने को, तो वह जो है किसी कार्य को उत्पन्न कर सकता है। अर्थात जो कारण है उसमें कार्य जो है पहले से ही शक्ति के रूप में अंतर्निहित है, और वो कार्य जो है उस शक्ति का जो है व्यक्त रूप माना जाता है। वो बीज रूप जो है वो अव्यक्त जो है शक्ति मौजूद, जो अव्यक्त के अंतर्गत जो शक्ति मौजूद है उससे कार्य की उत्पत्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि तिल जो है उसमें तेल को उत्पन्न करने की क्षमता है, तो तेल तिल जो है उसमें तेल को अंतर्निहित करने की शक्ति पहले से ही मौजूद है, अंतर्निहित है, और उसके कारण ही वो जो है कार्य को रूप दे सकता है। तो यहाँ जिसमें जो शक्ति होगी, जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती होगी, जैसे हम देख रहे हैं कि दही का निर्माण करना है, तो दही का निर्माण करने की जिसमें शक्ति होती है वही दही का निर्माण कर सकता है। ऐसा नहीं कि हम पानी से भी दही का निर्माण कर लें। कपड़े का निर्माण करना है तो तंतुओं में ही वो शक्ति होती है जो कपड़े का निर्माण कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि हम पत्थरों से कपड़े का निर्माण कर देंगे। अर्थात जो शक्ति जो है वो कारण में कैसी होती है, कार्य के कार्य को उत्पन्न करने की जो शक्ति है वो कारण में अव्यक्त रूप से मौजूद है, और वह जो है कार्य जो है उसका क्या है व्यक्त रूप माना जाता है। जैसे घड़े की बात कर रहे हैं तो घड़े में मिट्टी जो है मिट्टी में घड़े को उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद है, और वो उसके कारण क्या है कि कार्य जो हो रहा है वो मिट्टी का क्या माना जा रहा है व्यक्त रूप माना जाता है, और मिट्टी जो है उस कार्य का क्या है अव्यक्त रूप। अर्थात पहले से ही घड़ा जो है मिट्टी में विद्यमान है और उसको व्यक्त रूप देने का जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य के रूप में जो निमित्त कारण होगा उसको रूप देने का कार्य करता है। तो निमित्त कारण जो है किसी वस्तु का निर्माण तब कर सकता है जब उसमें किसी का स्वरूप लेने की शक्ति मौजूद हो। आपको फर्नीचर का निर्माण करना है तो फर्नीचर का निर्माण करने के की जो शक्ति है वो लकड़ी में अंतर्निहित है। लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण किया जा सकता है क्योंकि लकड़ी में बीज रूप जो है कारण जो है पहले से ही अव्यक्त रूप से विद्यमान है, और जब हम उसका व्यक्त रूप देने का प्रयास करेंगे तो विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बना सकते हैं। तो जिसमें जो शक्ति मौजूद है वो ही किसी कार्य को रूप दे सकता है, बिना शक्ति के हम किसी भी कार्य को रूप नहीं दे सकते। इसलिए कहा जा सकता है कि असत से सत की या सत से असत की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि जिसमें शक्ति उत्पन्न होगी, जिसमें अंतर्निहित शक्ति पहले से ही विद्यमान है, उसी से हम किसी कार्य का जो है रूप दे सकते हैं, कार्य की उत्पत्ति की बात कर सकते हैं। तो किसी भी कारण से किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होकर जिसमें जो शक्ति है उसी से उस कार्य की उत्पत्ति होती है। अर्थात कारण जो है बीज रूप से, कारण में बीज रूप से कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद रहती है। जैसा हमने देखा था कि तिल जो है उससे तेल का निर्माण होता है, तो तिल में तेल को उत्पन्न करने की शक्ति पहले से ही विद्यमान है जिसके कारण जो है उसको उत्पन्न कर सकता है। हम यदि इस शक्ति को नहीं मानेंगे कि तिल में जो है तेल पहले से विद्यमान नहीं है, तो फिर हम किसी भी चीज़ से किसी का निर्माण कर लेंगे, परंतु ऐसा संभव नहीं है। तिल के अभाव में जो है तिलक जो है उसके अभाव में हम किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस वस्तु का निर्माण हम करना चाहते हैं उसका कारण जो है, उस कारण में वो जो शक्ति है जो कार्य को रूप देती है वो विद रूप में परिणित रहती है, उसमें अंतर्निहित रहती है, और उसको व्यक्त रूप देने का कार्य जो है निमित्त करता करता है। तो ये माना जाता है कि कारण से जो कार्य बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, एक सत्य कारण होता है, वो सत्य कारण ही किसी कार्य को रूप देने का कार्य करता है। तो सत्य कारण के रूप में जो है सत्य कार्यवादियों ने जो है सत्य कार्यवाद का प्रतिपादन करने के लिए सत्य कारण के रूप में जो है माना है कि सत्य कारण से ही किसी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है, हर कारण से किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। जिसमें बीज रूप शक्ति मौजूद होती है वही किसी कार्य को रूप दे सकता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि कारण भाववाच के रूप में कि कारण और कार्य जो है सांख्य दर्शन का ही मानना है कि कारण और कार्य में एक आइडेंटिकल रिलेशन, एक तादाद में संबंध होता है। हम सामान्य रूप से इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जो कारण में विद्यमान है वही कार्य में विद्यमान देखने को मिलता है। हमें अलग अलग रूप में देखने को मिल रहा है कि यह कार्य है और यह कारण है,
और इसलिए न्याय वैशेषिकों ने इसकी आलोचना करने का भी प्रयास किया कि कारण और कार्य यदि एक ही है तो फिर इनको अलग अलग नाम से क्यों पुकारे। तो ये जो दोनों जो है इनमें दोनों में अभेद संबंध है, इनको पृथककरण, इनको सहयोग और पृथककरण करना संभव ही नहीं है। जैसा आप देख रहे हो कि विंध्याचल की बात करें, हिमालय की बात करें, तो इनमें जो है ये दोनों जो है पृथक पृथक है, इन दोनों का सहयोग नहीं किया जा सकता। तो ये जो है पृथककरण का और या संयोग का जो संबंध नहीं देखने को मिलेगा, ऐसी स्थिति में जो है कारण और कार्य को हम अलग अलग ढंग से देखेंगे। लेकिन कारण और कार्य जो है वो एक अभेद संबंध के रूप में देखने को मिलता है। जिसमें संयोग होगा उसका तो हम विभाग भी कर देंगे, जिसका संयोग होगा, जैसे सपोज कीजिए कि चिड़ियां पेड़ पर आकर बैठी तो उसका संयोग हो गया, और जैसे ही चिड़ियां पेड़ की डाल से उड़कर चले गई तो वो विभाग हो गया, उसका जो है पृथक हो गया। तो कारण और कार्य जो है दोनों अभेद संबंध में देखने को मिलता है। जो कारण में गुण पाया जा रहा है वही कार्य में, जैसा आप देखते हैं कि तिल में चिकनापन है तो तेल में भी चिकनापन देखने को मिलता है। तो दोनों में एक अभेद संबंध है जिसको अलग करना संभव नहीं लगता। जैसे कि हम देखते हैं कि कपड़े का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, तंतुओं से किया जा रहा है। यदि हम तंतुओं को अलग करेंगे तो कपड़े का क्या होगा, कपड़े का भी नाश हो जाएगा। तो दोनों को अलग कर ही नहीं सकते हैं। तो एक ऐसा रिलेशन जो देखने को मिलता है कि दोनों एक ही है, दोनों में एक तादात्म्य संबंध है, केवल अंतर जो देखने को मिलता है इतना सी अंतर है कि कारण जो है वो अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है और कार्य उसका व्यक्त रूप होता है। तो कारण और कार्य जो है अलग अलग नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो कारण और कार्य एक ही है, परंतु व्यवहारिक जगत में व्यक्त और अव्यक्त के रूप में कारण और कार्य को अलग अलग रूप में हम प्राय देखते हैं। इसलिए कहा गया कि सत से ही सत की उत्पत्ति होती है, कि कारण जो है वो भी सत है और उसके द्वारा जो उत्पन्न होता कार्य वो भी सत का माना जाता है। तो हम जो है कारणभाववाद के रूप में देख रहे हैं कि कारण और कार्य में एक तादात्म्य संबंध है, एक अभेद संबंध है, जो हम दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते। दोनों में एक रिलेशन पाया जाता है और वो रिलेशन जो है आइडेंटिकल रिलेशन या तादात्म्य संबंध के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो पांच आर्गुमेंट दिए, चाहे वो असत कारण के रूप में कि कारण असत है तो उससे सत कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, कारण भी सत होना चाहिए और कार्य भी सत होना चाहिए, दूसरा कि जिस कार्य की उत्पत्ति करना चाहते हैं उसकी उसके अनुरूप भी सामग्री का भी होना जरूरी है, हम किसी भी सामग्री से किसी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया था कि बहुत सारे कारीगर मिलकर भी शहद का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि शहद का निर्माण कौन करेगी, मधुमक्खियाँ करेंगी। बहुत सारे जो लोग मिलकर भी जो है चीनी में नमक में चीनी का चीनी में जो है नमक का अभाव है, तो नमक से हम चीनी का निर्माण नहीं कर सकते जो जिसमें विद्यमान है। अतः जिसमें जिसकी जो सामग्री है उसी से हम उसका निर्माण कर सकते हैं। तो असल कारण के रूप में जो हमने देखा, उपादान के धर्म के रूप में देखा कि किसी कारण की उत्पत्ति होती है तो एक संभव कारण होना चाहिए, हर कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, जो उसका संभव कारण है उससे उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे दही का निर्माण कर रहे हो तो दूध की आवश्यकता होगी, पानी से दही का निर्माण नहीं होगा। तेल का निर्माण कर रहे हो तो तिल की आवश्यकता होगी, बालू से या कंकड़ से तिल का तेल का निर्माण नहीं होगा। सर्वसंभव भावार्थ के रूप में देखा, शक्ति के रूप में देखा कि कारण में एक शक्ति होती है जो किसी कार्य को रूप देता है। जैसे बीज में हम देखते हैं कि बीज से अंकुर निकलता है, तो बीज में एक अंतर्निहित शक्ति है जो अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति रहती है, और अंकुर जब उत्पन्न होगा तो वो कार्य के रूप में हो जाएगा। हर वस्तु से हर की उत्पत्ति नहीं होगी, एक जिसमें जो शक्ति मौजूद होती है उसी से किसी कार्य की उत्पत्ति होगी। तो इसके अंतर्गत हमने देखा, और अंत में जो देखने को मिलता है कि कारण भावाद के रूप में हम क्या देख रहे हैं कि कारण और कार्य अलग अलग है ही नहीं। कारण और कार्य में क्या है, तादात्म्य संबंध है, दोनों एक ही है। दोनों अलग अलग होते हुए भी कि एक कार्य है और दूसरा कारण है, एक घड़ा है और दूसरा मिट्टी है, ये दोनों अलग अलग दिखलाई दे रहे हैं, व्यवहारिक जगत में दिखाई दे रहे हैं, परंतु वास्तव में एक ही है, क्योंकि एक नहीं होंगे तो उससे उत्पत्ति संभव ही नहीं होगी। तो दोनों व्यक्त और अव्यक्त के रूप में तो अलग अलग दिखलाई पड़ रहे हैं, परंतु वास्तव में वो कार्य जो है उस कारण में अंतर्निहित है, दोनों को अलग करना संभव नहीं है। मैंने उदाहरण आप लोगों को दिया था कि जिस प्रकार से जो है कपड़े को जो हम तंतुओं से पृथक नहीं कर सकते, हिमालय और विंध्याचल को तो हम पृथक कर सकते हैं,
व्यवस्था के सिद्धांत के अंतर्गत जो है सांघ के दार्शनिकों ने कार्यकर्ताओं में 5 आर्गुमेंट्स दिए, जिसके द्वारा जो है सांघ के दर्शन ने न्याय विशेषज्ञों की आलोचना करके जो है सत्कार्यवाद का प्रतिपादन किया है। अब आगे हम चलकर देखिए कारणता सिद्धांत के संदर्भ में देखेंगे कि कारण का विभाजन किस प्रकार से किया जा सकता है, कारण कितने प्रकार के होंगे, कारण के प्रकार क्या होंगे, कारण का जो भेद किस प्रकार से करेंगे, उसकी चर्चा हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग जो है कारणता सिद्धांत के जो संदर्भ में लगभग 3 वीडियो जो बनाए गए आप उनको सही ढंग से देखें और तारतम्यता के रूप में देखकर जो है उसका आप लोग लाभ उठाए। दूसरे विद्यार्थी जो अभी तक भी ग्रुपों से नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप में जुड़कर जो है जो आपका ऑनलाइन टीचिंग है उसका लाभ उठाएं, वीडियो को शेयर करें आप लोग एक दूसरे मित्रों को ताकि दूसरे मित्र भी आप लोगों के लाभ उठा सकें, लाइक करें और आप लोग जो है पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और सावधानी बरतें कि जो ये महामारी चल रही है उसमें हम अपना बचाव कर सकें। धन्यवाद।